हेलो एवरीवन, टेक न्यूज़ के एक नए और फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। टेक्नो प्रशांत में मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेके आ गया हूं टेक न्यूज़ का एक नया और फ्रेश एपिसोड। सबसे पहले अपने चैनल पे, जो कि हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले टेक न्यूज़ देखने के लिए मिलती है, तो चलिए फटाफट से टेक न्यूज़ का एपिसोड दोस्तों शुरू कर लेते हैं। उसके पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, ताकि हमने चैनल पे अगर कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए दोस्तों। तो बात कर लेते हैं पहली टेक न्यूज़ की, निकल कर दोस्तों रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों रियलमी के अभी जो फ़ोन्स लॉन्च हुए जल्दी, रियलमी 6 और 6 प्रो दोस्तों, और जो रियलमी का X50 प्रो लॉन्च हुआ दोस्तों, वो उसमें जो रिफ्रेश रेट वाला 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला दोस्तों डिस्प्ले वाला जो फ़ोन्स थे वो लॉन्च हुए। अब इस साल में जो भी रियलमी के दोस्तों फ़ोन्स होंगे, वो डिस्प्ले, उनका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होगा और रिफ्रेश रेट होगा, काफ़ी कमाल का होगा। आपको सारे फ़ोन्स के डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा एक रिपोर्ट से पता चलता है। जो भी फ्लैगशिप फ़ोन होंगे या फिर दोस्तों मिड रेंज फ़ोन होंगे, उनके जो डिस्प्ले होंगे वो आपको 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज के देखने के लिए मिलेंगे। आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है रियलमी की तरफ से। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रियलमी का जो अपडेट आया दोस्तों, रियलमी के जो सिक्योरिटी पैच है मार्च का, उसका अपडेट आ गया है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपको कौन कौन से सेट्स में या कौन कौन से फ़ोन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आपको सबसे पहले जो देखने के लिए मिलेगा रियलमी एक्स, रियलमी XT, रियलमी 5 प्रो और रियलमी C2 के साथ साथ में दोस्तों आपको जो रियलमी 5i में भी जो मार्च का सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये सारे फ़ोन्स, कोई फ़ोन्स है इन सारे फ़ोन्स में, तो आपको जल्दी ही आज या कल में दोस्तों आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों वही तीसरी टेक न्यूज़ की बात करते हैं, निकल के रही है सैमसंग की तरफ से। जो सैमसंग का गैलेक्सी A51 5G वाला फ़ोन है दोस्तों, उसके रेंडर सामने आया है। L मॉड्यूल्स कैमरा सेट दिया गया, इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप हमको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हमको पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। वहीं LED जो L डिस्प्ले L साइज का, ऐसा 3 कैमरा और एक कैमरा इधर दोस्तों, L शेप में कैमरे का जो हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कैमरे का पैटर्न होगा L शेप में दिएगा। साथ ही एक्जिनोस का 980 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है दोस्तों। और साथ ही बात करते हैं इसके मेन कैमरे की, तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरे के साथ में आता है। वहीं इसमें उम्मीद की जा सकती है दोस्तों 32 मेगापिक्सल की हमको सेल्फी देखने के लिए मिले इस फ़ोन में। तो देखिए जब तक ये आता है दोस्तों, सैमसंग का जो A51 5G वाला वेरिएंट है वो और अपने साथ में क्या क्या आता है, लेके आता है और क्या प्राइसिंग के साथ में आता है दोस्तों। इसकी बैटरी जो है 4370 mAh की है, जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जिंग को भी दोस्तों सपोर्ट करती है, तो ये एक अच्छी खबर है। देखते हैं रियल सैमसंग का A51 कब तक आता है और अपने साथ में दोस्तों और क्या क्या लेके आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वही चौथी टेक न्यूज़ की, निकल के आ रही है दोस्तों हुआवे की तरफ से। हुआवे का जो विजन स्मार्ट TV है, उसमें हमको दोस्तों पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो अभी फ़ोन्स आ रहे थे पॉपअप सेल्फी कैमरे वाले, अब TVs भी आएंगे जो टेलीविज़न होंगे आपके, उसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। ये दोस्तों 8 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है। इस टीवी के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टीवी 75 इंच और 65 इंच वाले वेरिएंट के साथ में आएगा। हो सकता है चाइना में ये 12,999 चाइनीज युआन में लॉन्च हो, और हो सकता है कि इस जो टीवी लॉन्च होगी 75 और 65 इंच वाली, इसमें हमको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिले दोस्तों। टीवी का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी कमाल का होने वाला, एंट्री लेवल का एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो बात कर लेते हैं आज की पांचवी टेक न्यूज़ की, निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से दोस्तों। व्हाट्सएप पे अभी आप जो स्टेटस लगाते थे 30 सेकंड्स के वीडियो, आप वो नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, लगा पाएंगे लेकिन जो 15 सेकंड के ही वीडियोज़ आप स्टेटस पे लगा पाएंगे। सभी लोग व्हाट्सएप की इतने ज़्यादा इसके चलते दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे यूज़र्स बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है व्हाट्सएप पे, इसके चलते आपको अभी सिर्फ 15 सेकंड्स के वीडियोस के स्टेटस ही लगा पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड के मत लगाइए यार, 15 सेकंड के लगा लीजिए, बाद में फिर लगा लीजिएगा जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब। और आज बात कर लेते हैं छठवीं टेक न्यूज़ की, निकल के आ रही है दोस्तों BSNL की तरफ से। अगर BSNL का आपका प्लान दोस्तों ख़त्म हो गया है या फिर BSNL के आपके जो सिम कार्ड है BSNL का, उसमें प्लान नहीं है, तो दोस्तों 20 अप्रैल तक आपको BSNL का जो सिम कार्ड है बंद हो जाता था, वो बंद नहीं होगा। हाँ, वो बंद नहीं होगा। मिनिस्ट्री जो दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्ट्री को बताया गया है कि ये जो 20 अप्रैल तक हैं, सरकार की तरफ से आपको ₹10 का टॉक टाइम भी दिया जाएगा, और साथ ही आपके जो 20 अप्रैल तक आपके कोई कार्ड डीएक्टिवेट इनकमिंग या आउटगोइंग इनकमिंग आपकी बंद नहीं होगी दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, ऐसा होना चाहिए सभी कंपनियों की तरफ से। अगर मान लीजिए कोई रिचार्ज नहीं करा पा रहा है दोस्तों इमरजेंसी में, उसको टॉक टाइम देना चाहिए। तो आज की टेक न्यूज़ में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाइए, और आपका कोई कमेंट सुझाव तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में ध्यान से बताइए दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो पता ही आपको क्या करना है। मिलूंगा कल आपसे टेक न्यूज़ के नए फ्रेश एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए की स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।